मैंने दो अभी लेटेस्ट एक जो चीजें सुनी है आज तक स्टूडेंट्स में आपके नोट्स पॉपुलर हैं, कैसे हो सकता है ये? क्या आपसे तो होनहार बच्चा नहीं आया होगा स्टीफंस में तब से अब तक? नहीं, ऐसा नहीं है कि होनहार बच्चा नहीं आया होगा, पर अक्सर होता ही है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, वो अपने नोट्स दबा के रखते हैं और वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। अच्छा। एंड जब मैं कॉलेज में थी तो तब भी पढ़ाई में तो चलिए मैं ठीक थी, तो जब भी मुझसे कोई नोट्स मांगता था तो मैं सबको दे दिया करती थी। ओपन सोर्स। मैं ओपन सोर्स देती थी, तो मेरे अक्सर तब क्लासमेट्स ने भी मेरे नोट्स फोटोकॉपी करे होंगे, उनसे पढ़ाई करी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था भाई जो मुझे आता है वो तो मुझे आता ही है। आपका कॉलेज भी बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से चला। नहीं, देखिए, मुझे लगता था जो मुझे आता है वो तो मुझे आता ही है, तो किसी के अपने नोट्स शेयर करने से मेरी नॉलेज थोड़ी कम हो जाती है। एंड तो मैं अपने नोट्स शेयर किया करती थी, और एक्चुअली मैं ना बहुत, क्योंकि मैं नोट्स अक्सर शेयर किया करती थी तो वो इधर उधर भी हो जाते थे, तो मैंने अपने नोट्स को एक बाइंडर में स्पाइरल बाउंड किया हुआ था। अच्छा। कि वो इधर उधर गुम ना जाए, और मैं भी थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड हो, तो वही स्पाइरल बाउंड फोल्डर हमारे कॉलेज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा था। और हमारी टीम में एक तरीशी करके हमारी टीम में वॉलंटियर हैं, वो जब कई साल पहले आई थी एजुकेशन टीम में काम करने के लिए, तो उसने भी सेंट स्टीफन्स कॉलेज से हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। मुझे कहती हैं, आई डिडंट रियलाइज आप हमारे इतने सीनियर थे, मुझे तो लगता था आप दो तीन बैच हमारे सीनियर हो। बिकॉज ऑल शी न्यू अबाउट यू वाज फ्रॉम माय नोट्स। ओह माय गॉड। तो अब ये लोग मुझे बताते हैं, अब मैंने खुद तो नहीं देखा, बट मेरा मन है कि एक दिन मैं जाऊंगी, कि जब मैं कॉलेज में थी तब तो हैंड रिटन हमारे नोट्स होते थे, तो वो कई सालों तक साल दर साल फोटोकॉपी होते रहे, और वो फोटोकॉपी की दुकान पे बिकते थे, हमारे सेंट स्टीफन्स की फोटोकॉपी की दुकान पे। आप पेंड्राइव में बिकते होंगे? यस। ये मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया है कि जो हमारे फोटोकॉपी की दुकान वाला है, सोनी करके एक है, तब तो लड़का होता था, अब तो बड़ा ही हो गया होगा, तो सोनी ने उन नोट्स का सॉफ्ट कॉपी बना के अब वो नोट्स को पेनड्राइव में बेचता है। सोनी को मशहूर कर दिया आपने। एक बार रिचा चड्ढा ने भी ट्वीट किया था कि आपके नोट्स, मैंने कहीं पढ़ा है ऐसा। हाँ, जब मुझे एडवाइजर से सैक किया गया था, एलजी सामने जब सैक किया था, तो तब रिचा चड्ढा ने, वो भी जूनियर थी, आई एम नॉट श्योर कौन से मैच की थी, पर अभी तक ये तो है।